के मोहतरम मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ जवानी साहब, मीर खान बलोच साहब, मलिक सुल्तान साहब, आजम साहब, चंगेज साहब, मलिक साहब और मेरे स्टेज पे बैठे हुए खड़े हुए अफसान साहिबान और मेरे जियाले मेहनत का साथियों दोस्तों, पाकिस्तान हाइड्रोलॉजी सेंटर यूनियन के परवानों, अस्सलाम वालेकुम। मसाइब रात से ही अजाइम कम नहीं होंगे, ये वो सर है कट जाएंगे कम नहीं होंगे। अजी साथियों दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2011 को 14 दिसंबर 2011 को पूरे पाकिस्तान में बापदा के मेहनत कश फूल के चप्पे चप्पे पर सरापा एहतजाज है। दोस्तों साथियों क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये मुल्क की सालमियत के लिए, इदारे की बेहतरी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए राज मैदान जंग में तशरीफ दे के आ गए हैं। अपने मजदूरों को अपने कायदीन के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान पे खुशन सुबह सिंह के चप्पे चप्पे पर मुजाहरा कर रहे हैं, तालाबंदी कर दिया हर दफ्तर के अंदर। हमारे कायदीन की तरफ से चार खास मुतालबात है, पेपकों की तहरीर करना नामंजूर है हमें और कंपनी के अंदर प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव लाना नामंजूर है हमें। वापदा के अंदर कंपनियों के अंदर बिजली की बिलिंग सेक्शन, वो बिलिंग सेक्शन को जो है वो प्राइवेट करने के तरफे पड़े हैं, वो हमको नामंजूर है। और साथ साथ पावरास की जो थर्मल पावरास है उनकी लीजिंग, जो लीजिंग कर रहे हैं प्राइवेट इंतजामिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें नामंजूर है। और दोस्तों साथी से साथ साथ हुकूमत वक्त और जियारत वाले ये मुसलसल पीछे लगे हुए हैं कि बाप जाके मुलाजमीन की जो बिजली की सहूलत थोड़ी सहूलत मिलती है वो भी खत्म कर दी जाए। लाना तो दोस्तों साथियों आज 3-4 महीने से मुसलसल बाप जाके मेहनत कश सड़कों पर धरने दे रहे हैं, प्रेस क्लबों के सामने सड़कों पे तालाबंदी कर रहे हैं, अपने दफ्तरों की तालाबंदी कर रहे हैं, मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जितना कहा गया कि चोर और डाकू लुटेरे असेंबलियों में बैठे हैं, ऐवान सदर में बैठे हैं, ऐवान वजीर आजम में बैठे हैं, इनके कानों पे जू नहीं लग रही है। ये चोर और डाकू है, ये लुटेरे हैं, इनको कोई हमदर्दी नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, इस मुल्क ना किसी इदारे से मोहब्बत है। आज रेलवे तबाह हो रहा है, PIA तबाह हो रहा है, स्टील मिल तबाह हो रही है, अब कैसी तबाह हो गई है, हर बापडा के पीछे पड़ गए बापडा को तबाह बर्बाद करने के। लेकिन दोस्तों साथियों अब बापडा के मेहनत कश और अफसान जाग गए हैं, जो स्थिर टकराएगा इंशाल्लाह ताला पास पास हो जाएगा, इनके अजायब हम खाक में मिला देंगे। ये अब बापडा को खत्म नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, हम इनको खत्म करके रहेंगे। जिसने साथियों ने कहा, कोई साहब ने कहा, बशीर बहुत साहब ने कहा कि हम कुर्बानी देंगे, खून का साहब पेश करें, आग लगाई, इंशाल्लाह ताला सही बात है। मीर खान ने कहा कि हम क्यों मर रहे भाई, हम तो रोज ही मर रहे हैं, कोई ये कोई सारा चेक पोस्ट में मर रहा है, कोई कराची में मर रहा है, कोई पिशावर में मर रहा है, कोई लाहौर में मर रहा है। देखिए अब बारी इनकी है, ईमानों को अंदर चढ़ाएंगे इनको, असेंबलियों के अंदर चढ़ाएंगे इनको, अगर ये सुधरे नहीं सुधरे तो। अजीज दोस्तों साथियों हमारे तंजीम हमारे कायदीन ने आपके जिद्दोजहद के तौर पर आपको आगे किया हुआ है, खुद भी आगे आगे हैं, साथ साथ हमने कानूनी जंग भी लड़नी शुरू कर दी है। हमने कल शक्कर हाईकोर्ट के अंदर रिट दाखिल कर दिया इंजामान साहब ने अपने नाम से, और उसके अंदर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है, अटॉर्नी जनरल को पेश करने का हुक्म दे दिया है, क्या है, और 16 जनवरी 2012 को पेशी है उन सबकी, तमाम जो भी उतल कायदारे हैं और हुकूमत वक्त को वापस किया है, क्या पेश करे आ जाए।
हमारे काजी से मुजाहरा करे, मुनाजा करे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आ जाए कि बाप उनाके में जा सकता है कि नहीं जा सकता। ये कसारे में तू जा रहा है, तबाह करने वाले कौन है? बाप जाके अफसान है मुलाजिम है या हुकूमत है वक्त है पॉलिसी बनाने वाली। दोस्तों साथियों, हमारे कायदीन ने हुक्म दे दिया है। अब पावर हाउस वाले ये बैठे हुए यहाँ पर, इनके लिए अपने मुजीब पीर साहब को वकील किया है। इसके लिए इनके लिए भी इंशाल्लाह कल उनको पैसे देंगे तो रिट दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों साथियों, आज 14 दिसंबर को हमने आज यहाँ जलसा कर रहे हैं। हमारे कायदीन का हुक्म है कि इंशाल्लाह ताला 21 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा किया जाए, पूरे पाकिस्तान के आदमी आ जाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं आए तो इंशाल्लाह ताला हमने अपने कायदीन के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद करनी पड़ी तो इंशाल्लाह बंद करेंगे। मैं आप तमाम साथियों का, तमाम हैदरों के, हैदराबाद के हैदरों के मेहनतकश कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तमाम दरखास्तदार को अपने अफसान की मर्जी से तालेबंदी कर दिए, आपने खुद भी तालेबंदी कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने तमाम हैदर चौक पे आके तमाम साथियों ने अपने ताल का सबूत पेश कर दिया है। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि आज ये यहाँ खड़े हुए कहीं चलान तक जरूर पहुंचेंगे। हम 21 दिसंबर को घेराव करेंगे पार्लियामेंट का, उसके बाद इंशाल्लाह अगर फिर भी हुकूमत बाहर ना आई तो फिर इंशाल्लाह आपको बिजली बंद करनी पड़ेगी, बंद करेगी। आखिर में मैं आप तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करते हुए ये शेर से नूर अक्षंपाई दाई को बुझा सकता है कौन? नूर अक्षंपाई दाई को बुझा सकता है कौन? जिसका हावी हो खुदा उसको बुझा सकता है कौन? अल्लाह आपका हाफिज आपको खुश होगा। एक से एक बात हो रही है भाईजान, कल हमारे दो साथी नान फेलर सिंह शिकार हो गए। एक साथी की हालत सीरियस है, उसके बहुत ज्यादा जल गया टोलवार के एरिया में। एक अलियासा वास्तव इनका है, वो अल्लाह ताला का शुक्र है उसको सही है। एक दुआ करें और अपनी हिफाजत के लिए सेफ्टी को पेमल के अर्थ जरूर करें, अर्थ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, कल किसी लाइन सुबह ने गलत चढ़ा दिया उसको टोलवार के अंदर और वो बहुत और चीज की हालत के अंदर हमने उनको पटेल अस्पताल में भेजा है। मेहर करो मेहनत कर साथियों, दोस्तों मेहरबानी करके जान की हिफाजत करना, आप खुद करेंगे तो होगी, खुद दूसरा आपकी कोई बात नहीं करेगा। और इदारे को बचाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, इदारे से करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा, इदारे से साथियों को बेहतर सहूलत मुहैया करना पड़ेगी, चोरी कम करनी पड़ेगी, आटे में नमक खाए काटा नहीं खाए। मेहरबानी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।